डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑपरेशंस और मैट्रिसेस को समझेंगे। इसमें हम लोग एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी किसी भी मैट्रिक्स को मान लो एन बाई एन ऑर्डर का है, इसको कोई स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट को हम लोग उसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, यानी उसका ऑर्डर भी सेम एन बाई एन होगा। और जैसे हमारा ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.2 का, इसको हम लोग बताते हैं। जैसे cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा, और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स को हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे हम लोग सभी एलिमेंट को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और उसके बाद ये cos theta into minus sin theta हो जाएगा minus cos theta into sin theta, और ये हो जाएगा cos square। ओके, सिमिलरली अगर sin theta into this, ये निकालना है sin theta into, ये मैट्रिक्स निकालना है sin theta minus cos theta, और ये cos theta साइन थीटा, ये मैट्रिक्स को अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा। और इस तरह से हमारा कॉस थीटा इंटू ये मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इंटू ये मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अब इसको हम लोग ये वैल्यू निकाल बैठाते देखिए, और सिंपल जैसे जोड़ते हैं तो जोड़ने का तरीका तो हम लोग बता चुके हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं, और इस तरह से ये हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये होगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सेकेंड रो में होगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इस तरह से हम लोग अलग अलग करके मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद इसको जोड़ना है तो जोड़े कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सीधे हम लोग जोड़ देते हैं, और इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा। जैसे वन वन एलिमेंट क्या होगा, वन वन एलिमेंट हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज वन, और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों को वन टू एलिमेंट को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, और हमारा टू वन एलिमेंट है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसको साइन थीटा कॉस थीटा से जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट टू टू एलिमेंट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरह से ये आंसर, यानी स्केलर मल्टीप्लाई कर सभी हर मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बन जाएगा। और उसके बाद जोड़ने का जो तरीका प्रीवियस क्लास में बताया गया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है, और इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते जाएंगे। ओके, अब हम लोग नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स को समझते हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज माइनस ए मीन्स माइनस वन इंटू ए, यानी कोई भी मैट्रिक्स ए को अगर हम लोग स्केलर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी सभी एलिमेंट को ए मैट्रिक्स का अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए हो जाएगा।
और उसी तरह डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होगा, ये माइनस बी मतलब ए और माइनस बी को जोड़ देंगे, यानी ए ए मान लेते हैं ये आईजे मैट्रिक्स सेम ऑर्डर एम आई एन और बी भी उसी ऑर्डर का एम आई एन ऑर्डर का बी आई जे मैट्रिक्स, तो ये दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस मान लेते हैं डी है डी आई जे, तो डी का कोई भी एलिमेंट डी आई जे आई जे एलिमेंट क्या होगा, ए और बी का आई जे एलिमेंट का डिफरेंस के बराबर, यानी ए माइनस बी मीन्स ए और माइनस वन इंटू बी का एडिशन, यानी ए और बी का नेगेटिव मैट्रिक्स जो होगा उसका सम होगा, और इस तरह से हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, ना जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते हुए सबट्रैक्ट करते हुए निकालते जाएंगे, जैसे यहाँ पर ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए माइनस बी क्या होगा, ए मैट्रिक्स तो 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5, तो ए माइनस बी क्या होगा, या तो बी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जोड़ देंगे, या डायरेक्ट नंबर ए ए का एलिमेंट और बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों में डिफरेंस निकाल देंगे, तो सबसे बेहतर है हम लोग डायरेक्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे मान वन एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमारा 4 और 3 में 3 -2 एंड 2 -1 और इस तरह से ये -0 होगा 1 5 और 8 -, इज इट देखो 2 -1 दैट इज 1, 4 -3 इज 1, 3 -1 यानी 5, 2 -1 -3, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पर, इसमें क्या है ना ए दिया हुआ है सी दिया हुआ है ना, और 3a - c दिया हुआ है, 3a - c, 3a माने 3 * a यानी स्केलर मल्टीपल है, 3 स्केलर क्वांटिटी है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा और माइनस ये c है, तो इसको क्या करेंगे ना, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 * 2 = 6, 3 * 4 = 12, 3 * 3 = 9, 3 * 2 = 6, ओके, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 6 12 9 6 मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और उसके बाद हम लोग सबट्रैक्ट कर दिए ये c मैट्रिक्स के साथ 3 4, तो ये हम लोग 3a से c मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 - -2 दैट इज 6 + 2 हो जाएगा, उसके बाद 12 - 5 दैट इज 7, 9 - 6 यानी 3, 6 - 4 यानी 2, इस तरह से हम लोग ओके 3a - c। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए बी सी दिया हुआ है, हमको ए प्लस बी बी माइनस सी निकालना है और उसके बाद ये हम लोग LHS और RHS इक्वल है या नहीं है ये हम चेक, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे ना ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी निकालते, ए क्या है 1 2 - 3 5 0 2 1 - 1 प्लस बी, बी क्या है 3 - 1 2 और ये 4 2 5 2 0, ये दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सीधे जोड़ेंगे 1 + 3 = 4 2 - 1 दैट इज 1, -3 + 2 दैट इज -1, ओके 1 3 4 2 1 2 - 1 2 - 1 को जोड़ेंगे तो 1 - 3 - 2 को जोड़ेंगे तो -1, 5 + 4 = 9 और 0 + 2 दैट इज 2, 5 + 2 = 7, नेक्स्ट है 1 + 2 = 3 एंड -1 + 0 - 1 1 + 3 = 4, ओके ए प्लस बी निकल, अब हमको निकालना है बी माइनस सी,
3 3 minus 1 2 3 minus 1 2 4 to 5 5 no by 203 plus minus subtract karna hai c c hai 4.2 4.2 0.32 32 and 1 minus 2 ये करस्पोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो 3 माइनस 1 वाला जो है 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 0 ओके 4 माइनस 0 दैट इज 4 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 5 माइनस 2 इज 3 नेक्स्ट 2 माइनस 1 इज 1 0 minus minus 2 that is plus 2 0 minus minus 2 3 minus 3 is 0 इस तरह से ये हमारा a plus b and b minus c ये दोनों मिलेगा ओके अब हमारे पास a plus b minus c निकालना है और a plus b minus c निकालना है तो ये कैसे निकालें अब हमको निकालना है a plus log a plus b minus c a plus b minus c तो a के लिए अगर देखेंगे 1 2 minus 3 1 2 minus 3 5 0 2 5 0 2 1 minus 1 और b minus c क्या है b minus c के लिए अगर देखेंगे minus 1 0 minus 2 0 4 minus 1 3 4 minus 1 3 or 1 2 0 2 0 और इस दोनों को जोड़ेंगे ये और b minus c को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो corresponding element जोड़ेंगे 1 minus 1 जोड़ने से 0 2 minus 2 जोड़ने से 0 minus 3 plus 0 is minus 3 5 plus 4 is 9 0 minus 1 is minus 1 2 plus 3 is 5 1 plus 1 is 2 minus 1 plus 2 is 1 1 plus 0 is 1 here we have a plus b minus c अब हमको RHS निकालना है a plus b versus c तो पहले a plus b को लिखते हैं is 4 1 minus 1 9 2 7 3 minus 1 और c को सब्ट्रैक्ट करेंगे c है 4 1 2 4 1 2 and 0 3 2 1 minus 2 3 which is subtract करेंगे तो 4 minus corresponding element subtract 7 4 minus 4 0 1 minus 1 0 minus 1 minus 2 that is minus 3 इसके बाद 9 minus 0 is 9 2 minus 3 is minus 1 7 minus 2 is 5 इसके बाद 3 1 element 3 minus 1 2 and minus 1 minus 2 minus 1 minus minus 2 that is plus 2 minus 1 plus 2 1 or 4 minus 3 that is 4 minus 3 1 so 1 and 2 same matrix 0 0 minus 3 9 minus 1 5 2 1 1 7 or yani from 1 and 2 come here a plus b minus c is equal to a plus b minus c.
क्वेश्चन नंबर 4 ओके, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन माइनस इसके बाद ठीक है, ये तीन चीज पर हम लोग बेस करते हुए कुछ क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में ओके। थैंक यू।